हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम आपके लिए लॉजिटेक Z906 का डिटेल ऑडियो टेस्ट लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपको इसके डिटेल पे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना है तो आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये मॉडल दोस्तों 28,000 का आपको मिलेगा। अगर आपको परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इस सिस्टम को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके रख रखा है, सबसे पहले हम इस पर डॉल्बी ऑडियो की टेस्टिंग देंगे एंड देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलेगा। अब आपको तो ईयरफोन या हेडफोन में वो चीज़ फील नहीं होगी, बट हम पूरा टेस्ट करेंगे एंड अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों जो सराउंड स्पीकर्स होते हैं उन्हें हम बैक पे कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ही एक्सपीरियंस पूरा डिटेल पर टेस्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट में एकमात्र 5.1 होम थिएटर है जो कि अभी हमें मिल रहा है। बाकी सारे मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो के साथ आते थे, चाहे वो सोनी के हो, सैमसंग के हो। सो लॉजिटेक ही एक ऑप्शन है अगर आपको 5.1 होम थिएटर में परचेज करना है। सो जरूर से डिटेल में टेस्टिंग को देखिएगा। तो गाइस, डॉल्बी ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यार हमारे लॉजिटेक पे डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हमने अपने टीवी पर अमेज़ॉन की फायर स्टिक कनेक्ट कर ली है। सबसे पहले मैं क्या है कि एक प्राइम पर मूवी चलाता हूँ एंड आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि यार ये डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इसके लिए हम मिर्ज़ापुर को चला लेते हैं। ये देखिए मिर्ज़ापुर चल गई है, नीचे से लाइट्स जलने लग गई है। अब मैं रोक के आपको ऑडियो सेटिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा पास लाकर हम दिखा देते हैं आपको, जो हमारा सिस्टम है डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत सही है गाइस। अगर आपके पास फायर स्टिक है, आप अपने टीवी पर फायर स्टिक को कनेक्ट करें एंड इसे ऑप्टिकल केबल के थ्रू अपने टीवी के साथ सिस्टम को कनेक्ट कर लीजिए, आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का साउंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। साथ में हर एक चैनल से ऑडियो सेपरेशन भी होगा। तो उसके लिए क्या है कि हम रियर चैनल को बैक साइड पे कनेक्ट कर लेते हैं एंड आपको डिटेल पे टेस्टिंग कराते हैं। तेरा दर्शन है टाइगर वाला, मेरा दर्शन है तिगड़म वाला, ये भी प्लान है। आगे देखिए स्क्रीन में, आगे से आ रहा है, ऐसा लग रहा है पीछे से ही आ रहा है वो। तो गाइस, हमने टीवी के साथ तो काफ़ी डिटेल में टेस्टिंग करा दी है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यार परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यार, अगर आपको टीवी के लिए 5.1 होम थिएटर परचेस करना है जिस पर डॉल्बी डिजिटल का सराउंड साउंड का सपोर्ट हो, तो इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में नहीं है, इससे बेटर भी नहीं है एंड ये एकलौता मॉडल है। क्योंकि 5.1 होम थिएटर अब हमें देखने को नहीं मिलते, हमें केवल 5.1 चैनल साउंड बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यार, अगर आपको 5.1 होम थिएटर ही परचेस करना है ना, यही मॉडल अभी अवेलेबल है एंड ये THX सर्टिफाइड होम थिएटर है।
मतलब कि दोस्तों परफॉर्मेंस जो हमें मिलता है ना, ऑडियो सेपरेशन जो इस मॉडल की है, सराउंड साउंड जो हमें मिलता है वो काफ़ी कमाल का है। आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैंने कैमरे को हर एक स्पीकर के पास लेकर आपको टेस्टिंग दी, सो आपको समझ में आया होगा कि यार सेपरेशन कितना कमाल का हमें मिल रहा था। आपको ऐसा फील आएगा ना आप थिएटर में बैठ के ही मूवी देख रहे हैं। साथ में दोस्तों डायलॉग्स जो है ना वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं, एंड एक्शन सीन्स में जो साउंड इफेक्ट है ना दोस्तों वो भी बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ की साउंड हमें क्लियर सुनाई देती है। सो ऑडियो में तो यार कोई भी कमी आपको मिलने वाली नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस टॉप नॉच हमें मिलता है। बट दोस्तों परफॉर्मेंस तो तगड़ा है, बट यार कमियां भी बहुत है। जैसे कि इसकी जो प्राइसिंग है 28,000 की है, एंड जो सबसे बड़ी कमी है ना दोस्तों इस पर हमें कनेक्टिविटी में देखने को मिलती है। अब बहुत से लोगों के टीवी में ऑप्टिकल पोर्ट नहीं होता है, सो उन भाइयों के लिए तो यार ये मॉडल बेस्ट नहीं है। ये उन्हीं भाइयों के लिए बेस्ट है जिनके टीवी पे ऑप्टिकल पोर्ट है, एंड जिनके टीवी में नहीं है तो वो इसे मत परचेज करेगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपको डॉल्बी सराउंड साउंड का इफेक्ट तो ऑप्टिकल केबल से ही मिलेगा ना, उसके बिना मेरे हिसाब से आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं टोटल कनेक्टिविटी की भी बात करूँ तो इस पर हमें दो ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाते हैं, एक कोएक्सल पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, बस यही कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लूटूथ HDMI ARC या EARC का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। एंड अगर मैं डॉल्बी के फॉर्मेट की बात करूँ तो वो भी हमें डॉल्बी डिजिटली देखने को मिलता है इस पर। अभी तो आप सबको पता है ना एटमॉस आ गया है, सो ये सारी कमियाँ भी हैं इसमें, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी ऑडियो क्वालिटी के शौकीन हैं आप, हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर दोस्तों मेरे पास 28,000 से 30,000 रुपये होते एंड मुझे 5.1 चैनल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस करना होता तो मैं इसी मॉडल को परचेस करता, क्योंकि मेरे टीवी पे ऑप्टिकल पोर्ट भी है एंड जो इसका साउंड परफॉर्मेंस है वो अनबीटेबल है। चलिए अब इस मॉडल की ऑडियो क्वालिटी प्लस बेस क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं, अपने सिस्टम को ग्राउंड पर रखते हैं एंड डिटेल पर आपको टेस्टिंग कराते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा दी है, मतलब कि ऑडियो क्वालिटी के साथ बेस क्वालिटी भी आपने टेस्ट कर ली होगी क्योंकि मैंने ग्राउंड में रख के टेस्टिंग दी थी, एंड मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यार परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है। जैसा कि दोस्तों यार इसका जो साउंड टेस्ट है हम काफ़ी टाइम बाद लेके आ रहे हैं, बर्निंग पीरियड पूरा हमने कम्प्लीट करा है। दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से, अगर आप एक बढ़िया सा 5.1 होम थिएटर देख रहे हैं इससे बेटर नहीं है। वैसे तो एकमात्र ही ये मॉडल है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, बाकी तो और हमें देखने को भी नहीं मिलते अंडर 30,000 में। सो अगर आपको बेस क्वालिटी साथ में ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त चाहिए क्योंकि THX सर्टिफाइड होम थिएटर है, सो आपको यार यहाँ पर कोई भी कमी नहीं मिलने वाली, मतलब मैं ये बोलूँगा ना दी बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा साउंड बार के हिसाब से कंपेयर करें या टावर स्पीकर पार्टी स्पीकर के हिसाब से कंपेयर करें तो वो इसके सामने नहीं टिक सकते हैं गाइस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो सीधे आप इसे परचेस कर सकते हैं। बाकी बस यार यही है कि यार इसमें कमियाँ बहुत हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी जैसे कि हमने आपको टेस्टिंग दी तो हमने ऑक्स केबल के थ्रू ही इसे कनेक्ट करा था, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ना ही टीवी में मैंने बताया आपको HDMI ARC की कनेक्टिविटी मिलती है। सो अगर आप कनेक्टिविटी को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन है, बट अगर आपको कनेक्टिविटी लेटेस्ट चाहिए तब आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, तब आपको मतलब कमी फील होने वाली है। बाकी अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो इस पर हमें 500 वाट्स का RMS मिल जाता है, 1000 वाट की इसकी दोस्तों पीक पावर है। हमें इस पर 3-3 इंच के ड्राइवर मिल जाते हैं जो सैटेलाइट स्पीकर पे लगे हुए हैं, एंड हमें 8 इंच का सबवूफर इस पर मिलता है। बाकी अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना होगा, डेमो देखना होगा तो पहले पार्ट को देख लीजिएगा। ऑडियो टेस्ट में मैंने क्लियर बता दिया है कि यार इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, अगर 30,000 तक का बजट है तो आंख बंद करके आज की डेट में भी परचेस कर सकते हैं, बट जो जो कॉन मैंने आपको बताए हैं वीडियो में उस चीज को भी डिटेल में देख लीजिएगा एंड अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि यार आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया है,
आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।